तो वहीं बुरहानपुर जिले के लोनी में वाहन चालकों को कांग्रेसी नेताओं ने एक बम की डिब्बी बांटी। बता दें कि जिले में सड़कों की खराब स्थिति को देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने ग्राम लोनी में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। यहां रोड पर कांग्रेस नेता एकत्रित हुए और बाइक बस कार से आने जाने वाले लोगों को बम की डिब्बी और पाउच बांटे। साथ ही कहा कि गड्ढों के कारण अगर घर जाकर दर्द हो तो ये बम लगाएं। गौरतलब है कि शहर से लेकर जिले के अधिकांश क्षेत्रों में खराब रोड के कारण लोग काफी परेशान हो गए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं ने शहर में खुद गड्ढे भरने का अभियान चलाया था। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने कहा कि पहले हमारे शहर की पहचान ऐतिहासिक शहर के रूप में होती थी, आज ये गड्ढों के कारण जाना जाता है। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि केवल बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, हमें सपने ना दिखाएं, काम करें। जिस प्रकार से दक्षिण का दरवाजा बुरहानपुर कहलाता था और हमारे शहर का जो पुरातत्व इतिहास है, आज हमारा शहर जिला, जैसे ही हम बुरहानपुर में एंट्री होती है तो गड्ढों का शहर, गड्ढों का जिला कहलाने लगा है। ये दोनों तीनों जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, महापौर, ये सिर्फ फोटो सेशन में और आपसी कंपटीशन में लगे हैं। सिर्फ कागजों पे घोषणा और घोषणा के सिवा कोई काम नहीं। आम जनता हाल बेहाल, रोज एक्सीडेंट, रोज लोगों की तकलीफें और रोज दुर्घटनाएं, उसके बावजूद भी सिर्फ भाषण देना, सिर्फ चिट्ठी लिखना, इसके सिवाय ये भाजपा नेताओं को कुछ नहीं आ रहा है।